क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और वहाँ पर कोई आप एक अलग तरह की कोई डिश ट्राई करते हैं और सोचते हैं कि काश ये हमें बनानी आ जाए या हम इसे घर पे बना सकें। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है और इसी चीज़ को सोचते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम जिसका नाम है फूड टाइम। और यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खाने को और देखने को और सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी किसी होटल के मेन्यू में भी शायद नहीं देखी होंगी। और एक इसी तरह की एक खास डिश लेकर हमारे साथ आए हैं शेफ वीरेंद्र राणा। अगर इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो होगा शायद सूरज को दिया दिखाना। तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जो शेफ राणा हैं वो लिम्का बुक में चार तरह के रिकॉर्ड अपने दर्ज करा चुके हैं। एक समय में ये महामहिम दो जगह के राष्ट्रपति को, भारत और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को खाना खिला चुके हैं। तो इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। तो मैं स्वागत करती हूँ सबसे पहले शेफ राणा का। शेफ राणा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू जी। जैसे सभी जानते हैं आपके बारे में कि अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने में आप माहिर हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आज आप हमारे दर्शकों को कौन सी एक अलग तरह की चीज़ सिखाने वाले हैं। जो आज हम चीज़ बनाने जा रहे हैं, इसको जो अगर कहा जाए तो ये है तीखे का मीठा। अगर इसको शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो है मिर्ची का हलवा। मिर्ची का हलवा? Yes. ये तो अपने आप में ही इतना तीखा है, तो वो मिठास वाला और हलवे जैसा कैसे हो सकता है? इसीलिए जो डिश को मैंने बताने के लिए आपको जो शब्द बोले थे तीखे का मीठा, तो तीखा जो है उसमें मिठास कैसे भरनी है वो आज हम देखेंगे। और जो सबसे अहम बात है मिर्ची के हलवे की वो ये है कि मिर्ची जो है उसमें एक तरह से सर्व गुण तत्व कहा जाता है उसको, जो सामग्री है मिर्ची उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, तो एक तरह से ये भरपूर एक तरह का ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल हमारा कम होता है, वेट रिड्यूस करने में हेल्प करती है और गर्मियों में लू से बचाती है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी है, ये फाइबर हैं जिनको आप इसके अंदर हमारे को प्रोटीन भी मिलती है, और लेकिन कहने में ये बहुत तीखी है, तो इसके जो अगर गुण देखे जाएं तो वो इसमें मिठास भर देते हैं, तो आज हम वही मिठास उसको हलवे के रूप में प्रेजेंट करेंगे। शेफ, आपने जो ये डिश सोची है जो हरी मिर्च का हलवा है, कुछ ऐसे मेहमानों को सोचकर तो नहीं बनाई कि जो आपको पसंद ना हो और आ जाएं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मेहमान भाग जाएंगे, और लेकिन हम ये मैं ज़रूर आपको कहूँ और ये चैलेंज है कि वो मेहमान हर बार आपसे मिर्ची के हलवे की फरमाइश ज़रूर करेंगे। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं हम इस तीखे हलवे, तीखे मीठे हलवे की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए शेफ? सबसे पहले जैसे कि ये मिर्ची का हलवा है तो सबसे पहले चाहिए हमें हरी मिर्च। ये इंग्रेडिएंट्स, हरी मिर्च। सबसे पहले चाहिए हमें हरी मिर्च, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो ये हमने अचारी वाली मिर्च यूज़ की है, आप छोटी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आप मिर्ची का हलवा बनाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपने मिर्ची सेलेक्ट करनी है तो वो थोड़े से लाइट ग्रीन कलर की हो, अगर वो डार्क कलर की होगी तो उसमें ज़्यादा तीखापन आएगा, तो हमें हलवे में मिठास तो भरनी है लेकिन ज़्यादा तीखापन नहीं देना है, तो हमें लाइट कलर वाली जो लाइट ग्रीन कलर की मिर्ची है वो सेलेक्ट करनी है। मिर्ची के अलावा जो हमें चाहिए वो चाहिए सूजी 50 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, देसी घी 50 ग्राम, बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, सोगी, खोया 100 ग्राम, फिटकरी 1 ग्राम, स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट्स गार्निश के लिए। शेफ, हम शुरुआत करेंगे हलवे की, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने फिटकरी की बात की, तो इससे पहले मैंने तो नहीं सुना कि फिटकरी कभी खाने में इस्तेमाल होती है, इसके बारे में आप बताएं। फिटकरी की बात करें तो फिटकरी जो है वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं, जो हरी मिर्च है जो उसकी जो फ्लेवर है वो बहुत ही हैवी फ्लेवर होती है, तो उसको कम करने के लिए हम जब उसको उबालेंगे हरी मिर्च को तो उसमें फिटकरी डालेंगे ताकि जो उसकी फ्लेवर है वो थोड़ी कम रह जाए और रिड्यूस हो, वो पूरी हलवे के ऊपर एम्पावर ना करे। तो वैसे अगर हमारे पास फिटकरी ना हो तो हम दालचीनी भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो आप छोटी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़ा सा मिर्ची के हलवे की फ्लेवर को अपनी फ्लेवर में ऐड ऑन कर देंगे, तो हम नहीं चाहते, तो इसलिए हम फिटकरी यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें हरी मिर्च है जो उसको काटना है और हाफ में काट के उसको चॉप करना है, तो आप मुझे पास कर सकते हैं। तो ये जो मिर्ची है हम इसको हाफ स्लिट करेंगे, हाफ में
और इसके अंदर जितने भी सीड्स हैं हम उनको रिमूव कर देंगे और इनको चॉपिंग कर लेंगे हम, या डाइसेस में भी काट सकती हो। सॉरी शेफ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मिर्ची को मैं हाथ नहीं लगाना चाहूँगी। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आपने कहा कि जो लोग मिर्ची को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो वो ग्लव्स पहन के ये काम करें, क्योंकि कईयों को जो है एलर्जी होती है ग्रीन चिल्ली से। तो इसको हम बाउल में डाल लेंगे। सिमिलर प्रोसेस है जो हम सारी मिर्चों के साथ में करेंगे। वैसे शेफ, इसमें आपने इसके सीड्स क्यों निकाले? जो चिल्ली होती है सबसे ज्यादा जो तीखापन होता है उनके बीज के अंदर होता है, बीज के तो अंदर। आप बीज रिमूव कर दोगे तो आधा 50% तो आपने उसकी स्पाइसनेस कम कर दी और उसको मिठास की तरफ ले गई। तो यानी यहीं से शुरुआत हो गई तीखेपन को मिठास में ले जाने की। बिल्कुल जी, बहुत सारी सामग्री जैसे जैसे डलती रहेगी ये पूरा तीखापन मीठेपन में आ जाएगा। ये इसे स्मार्टनेस कह सकते हैं शेफ की। ये जो ग्रीन चिलीज हैं हमारी वो सारी सारी हमने डाइसेस काट लिए, आप देख सकते हैं जैसे। तो अब हम इसको बॉईल करेंगे पानी के अंदर। तो जो पैन है मैंने उसमें पानी डाल के रखा हुआ है। तो इसमें पानी कितना, मैं गैस ऑन कर दूं? बिल्कुल, सिर्फ एक इतनी सी मामूली सी हमने जो 1 ग्राम फिट करी है वो यूज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था ये सिर्फ उसकी जो तीखापन है उसकी फ्लेवर को कम करें। अगेन वही कि किसी को मालूम ना हो कि ये मिर्ची का हलवा है। और ये जो डाइस की हुई हमारी ग्रीन चिली है हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे। तो इसको अब हम थोड़ा थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें बबल्स आएंगे तब तक बॉइलिंग पे रखेंगे। और ये जो प्रोसेस है इसको बॉईल करने का वो हम 3 बार करेंगे। इसको इसको 3 बार पानी से निकालेंगे हम। अभी एक बार उबाला लगवाया, इसके बाद फिर इसको निकालेंगे और फिर नया पानी लेंगे, फिर डालेंगे, फिर एक बार और डालेंगे, इसको बॉईल करेंगे, फिर नया पानी लेंगे। तो ये प्रोसेस है जो आपको कम से कम 3 बार करना है, ताकि जो उसकी पंजेंट फ्लेवर है, जो बहुत ही तेज फ्लेवर है मिर्ची की, वो मिठास में बदल जाए। जैसा कि 50% पहले होगी तो 25% इससे भी निकल जाएगी। एक चीज़ और शेफ, जैसे इसका कलर है वो काफ़ी अच्छा ग्रीन है, तो बॉयल होने के बाद या 2-3 बार इसे आप पानी में से निकालेंगे तो वो कलर में थोड़ा चेंज नहीं आएगा? इस पूरे प्रोसेस को अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको ब्लांचिंग कहते हैं। तो जो ब्लांचिंग होती है हरी सब्जियों की, जब भी ब्लांचिंग की जाती है तो पहले जब आप उसको गर्म पानी में डालते हैं हरी सब्जियों को, और कभी उसको कवर नहीं किया जाता है, उससे क्या होता है कि जो उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है वो बाहर उड़ जाना चाहिए। अगर वो आप बंद कर दोगे तो वो उसी पानी में मिक्स हो जाता है, जिससे कि काली हो जाती है, रंग चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है। लेकिन जो ब्लांचिंग होती है उसमें हमने क्या करना होता है, हरी सब्जियों को गर्म पानी में ब्लांच उबालने के बाद एकदम ही आइस कोल्ड वाटर में डाल देना होता है, जिसको ठंडे पानी में आप कहोगे, तो उससे क्या होगा उसका कलर है जो और ब्राइट हो जाएगा। तो उस पूरे प्रोसेस को ब्लांचिंग कहा जाता है। यानी उसके कलर को उतना ही खूबसूरत, जो डिश का कलर है वैसा ही आए, तो उसके लिए हमें उसे खुला पकाना चाहिए। बिल्कुल, इसको ओपन पकाना है, कोई लिड नहीं यूज करनी है, और ये जब आप ठंडे पानी में डालोगे तो इसका कलर है जो और ब्राइट होके आएगा। तो जो ब्लांचिंग का अगर फ्रेंच वर्ड है उसको अगर उसमें लेके जाएं तो उसका जो मीनिंग है उसका होता है टू ब्राइटन, ब्राइटन मींस उसको और ब्राइट करता है वो। तो वही प्रोसेस आज हम करने जा रहे हैं। शेफ, जैसे अभी आपने कहा कि 3 बार पानी बदलना है, तो क्या 3ों बार हम उसमें फिटकरी डालेंगे? जो फिटकरी है वो सिर्फ हमने पहली बार ही डालनी है, उसके बाद जो होता है वो फिटकरी का असर सिर्फ जो पहली बार जो उसका तीखापन होता है वो पहली बार में ही चला जाता है, उसके बाद सिर्फ हल्का हल्का जो तीखापन रहता है वो पानी से ही निकल जाता है। तो फिटकरी जो है हमने सिर्फ एक ही बार यूज़ करनी है, और फिटकरी ना भी हो तो आप ना भी यूज़ करो तो कोई नहीं है, आपको 4 बार आप उस प्रोसेस को कर सकते हैं तो भी फिटकरी का असर वैसे ही हो जाएगा। तो शेफ, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके इस चिली के हलवे को खाने से मना किया हो? नहीं जी, अगर
सेलिब्रिटी शेफ्स की बात की जाए तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि इस डिश को बहुत ही पसंद करते हैं। तो आजकल ये काफ़ी फेमस हो चुका है ये हलवा, और जैसा कि आपने कहा ये मेरी रेसिपी तो मेरी है, हमने अनेक बहुत कुछ अल्टर किया हुआ है इसमें, लेकिन जो शेफ्स हैं वो कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन करते रहते हैं और कई तरह से इसको अल्टर करके इसी मिर्ची के हलवे को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो ये जो स्टाइल जो आप देख रहे हो ये एक ऑथेंटिक स्टाइल है जो मैंने चूज़ किया हुआ है। हाँ, यानी एक बार कोई नाम सुन के मना कर सकता है, लेकिन इसके फायदे जानने के बाद इसे शायद कोई खाने से चुकेगा नहीं। बिल्कुल जी, हमने एक बहुत जो आपने लिम्का की बात की थी तो एक रिकॉर्ड बनाया था जिसके अंदर हमने 213 तरह के हलवे बनाए थे, तो उनमें से ये भी एक हलवा था जो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। तो ये हलवा इसीलिए हम चाहते मैं चाहता था कि ये हमारे दर्शकों के साथ में भी इसकी रेसिपी है जो वो शेयर की जाए, और अब ये बन रहा है तो दर्शक भी इसको आराम से अपने घरों में बना सकते हैं और जो हमारा शो है फूड टाइम उसको देख के और भी डिशेस इस हलवे को तो बनाएंगे बनाएंगे, और भी काफ़ी सारी डिशेस जो आने वाले शोज़ में आती रहेंगी उनको भी ट्राई करते रहेंगे। तो ये हम ऐसे ही सारे निकाल लेंगे इसको, तीन बॉयल के बाद अब हमने इसको निकाल लिया, और अब इसको हमने मिक्सी में एक पेस्ट की तरह बना लेना है, पर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनानी है, थोड़ी कोरस कोरस हो, थोड़ी खुरदरी सी, तो वो पेस्ट बनानी है, क्योंकि मिर्ची में अभी आप देखोगे कि इसके अंदर खुद ही पानी है, तो आपने पानी नहीं यूज़ करना है, ये एज इट इज़ ही हमने ग्राइंड करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी पेस्ट है वो हमने ग्राइंड कर ली है, वो जो मिर्ची है उसकी पेस्ट बना ली है। हाँ, और ये बहुत पतली बारीक नहीं है, ये थोड़ी सी क्रंची टाइप है। बिल्कुल, ये थोड़ी सी खुरदरी है, कोरस नहीं है। हमने कहा था कि 50 ग्राम जो है हम अब देसी घी इसमें यूज़ करेंगे। जो शेफ़ देसी घी ना इस्तेमाल करें वो कोई डालडा या कुछ इस तरह वो का यूज़ कर वाइट बटर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, डालडा भी आप कर सकते हो यूज़। कई जो लोग होते हैं वो देसी घी की फ्लेवर्स को पसंद नहीं करते हैं, तो वो डालडा घी पसंद कर सकते हैं। तो ये जो हमने घी चढ़ाया है हम इसको ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे, क्योंकि क्या होगा अगर जो मिर्ची के अंदर पानी होता है अगर इमिडिएटली आपने इसको ज़्यादा गर्म किया हुआ है तो वो पानी छींटे मारेगा, उछाल आपकी तरफ उछलेगा, और दूसरा वो जल्दी से बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो हमने उसको घी के साथ ही डाल देना है, इसमें पानी है फिर भी ये थोड़ा तो ये इसमें दो तरीके हैं, आप इसमें अगर सूजी पहले भून के डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हो जो हमारा दूसरा मेजर इंग्रेडिएंट था, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो ग्रीन चिल्ली की जो फ्लेवर है उसको रिटेन करने के लिए, रिटेन भी रहे और लेकिन उसकी स्पाइसनेस उड़ जाए, तो इसके लिए हम पहले उसी को ही भून रहे हैं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा कैसे वो जो पानी था उस ग्रीन चिल्ली के अंदर वो उछाल मार रहा है। इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे जो सूजी थी वो अपनी ऐड करेंगे ताकि वो भी साथ में ही रोस्ट हो जाए। लेकिन शेफ, जैसे कि सूजी का वो रहता है तो वो कच्चेपन पर नहीं रहेगी अगर हम इसको साथ में इसके डालेंगे तो? सूजी अब ये भी जो इसमें भी कच्चापन है और जो सूजी है वो साथ में इकट्ठी ही रोस्ट होती रहेंगी, वो और एक लेवल पे जाके दोनों ही कुक हो जाएंगी, तो वो कच्चापन नहीं रहेगा उसमें। तो इसको हम तीन जो टेबल स्पून है वो ऐड करेंगे, देखेंगे कि जो सूजी है वो स्टिक होनी शुरू होगी, हालांकि हम नॉन स्टिक पैन यूज कर रहे हैं, तो ये हमने साथ साथ में हिलाते रहना है इसको। जैसे इकट्ठा हो गया ये भी सारा? बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो सूजी भी है वो भी पूरी रोस्ट हो चुकी है, कुक हो चुकी है, और साथ में जो ग्रीन चिल्ली की पेस्ट थी हाँ, वो भी बिल्कुल इकट्ठा हो गया। हाँ जी, इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे जो हमारा खोया है मावा है वो ऐड करेंगे। इसमें हम मावा कितना डालेंगे? 100 ग्राम। सबसे बड़ा जो इसमें जो ग्रीन चिल्ली का हलवा जो ग्रीन चिल्ली है उसके अंदर विटामिन सी होती है, जो वो विटामिन सी है वो बाकी जो विटामिन हैं उनको ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है।
तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में जा रही है, तो जो आपके बाकी आपको प्रोटीन चाहिए या आपको बाकी आयरन कुछ भी चाहिए, तो वो ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए ग्रीन चिली जो है डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। आप देखेंगे अब कलर जो है हमारा हलवे का थोड़ा सा लाइट हो गया है, क्योंकि मावा ने भी अपना रंग और मिठास इसमें भर दी है। तो आप देखेंगे कलर जो है, वो जो खोया था वो भी पक चुका है, और जो उसने कलर है वो लाइट कर दिया, मिठास भी उसमें आ चुकी है खोए की। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मिठास वाला जो इंग्रेडिएंट है वो हम यूज़ करेंगे, इसमें चीनी। वैसे ऐसे देख कर ये लगता नहीं है कि ये मिर्ची का हलवा होगा, अगर यही तो सरप्राइजिंग एलिमेंट है इस 50 ग्राम चीनी हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके अंदर घी भी डला था और साथ में जो मिर्ची का जो पानी था वो क्या करेगा, और चीनी को कैरमलाइज करने में हेल्प करेगा, तो वो जल्दी से शुगर सिरप में तब्दील हो जाएगी। तो अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं कटे हुए, वो हम इसमें डालेंगे। यानी इसकी तैयार होने की यही पहचान है कि ये सारा इकट्ठा हो गया, तो ये समझ लें कि ये तैयार है बिल्कुल। अब इसकी शक्ल देखकर तो शेफ मन कर रहा है मेरा भी इसे खाने का, कि इसे खाया जा सकता है। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कि जो ये ऑयल है वो बाहर निकलना शुरू हो गया, और जो वो देसी घी था वो अब मिर्ची का ऑयल बन चुका है, तो मिर्ची के हलवे के ऊपर फ्लोट कर रहा है। यही इसकी निशानी है कि जो हमारा अब हलवा है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, तो इसको गार्निश करेंगे हम। अब हम जो फ्लेम है उसको बंद करेंगे और इसको एक बाउल में निकाल के इसकी प्लेटिंग करते हैं। दे सकते हैं ये निशानी है हलवे की, कि जो ऑयल था वो फ्लोट होके ऊपर आ चुका है, तो इसको हम गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो हमने स्लाइसेस में काटे थे, इसमें बादाम है, पिस्ता है। तो अब आप इसको चाहे दुश्मनी के नाते खा सकते हैं, चाहे दोस्ती के नाते, क्योंकि आपने ही कहा था कि अगर शायद आप उन लोगों को ये सर्व करते होंगे जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये किसी के लिए भी सर्व किया जा सकता है। नहीं, ये वाकई में ही बहुत खूबसूरत है, जो देखने में तो लग ही रहा है, और जब इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी है, और मैं रोक नहीं पा रही इसको खाने से। लीजिए, मैं आपको सर्व करता हूँ ये मिर्ची का हलवा, आप टेस्ट करें और बताएं कि ये दोस्ती के नाते है कि दुश्मनी के नाते। वाओ, बहुत टेस्टी शेफ। यानी ये कहकर इसे ये लग नहीं रहा कि ये मिर्ची का हलवा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आ रहा है, लेकिन जो खाने में है ये अमेजिंग है। इसके यानी कि मैं शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकती। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको जो ये मिर्ची का हलवा है बहुत पसंद आया होगा। आप इसे घर पर बनाएं और ख़ुद भी खाएं, और अपने जो चाहने वाले हैं उन्हें भी खिलाएं, और फीडबैक देना आप ना भूलें कि आपको मिर्ची का हलवा कैसा लगा। जो हमारी ये कोशिश रहेगी, हर बार हम आपके लिए इसी तरह की अलग अलग डिशेज जो हैं हम लेकर आएंगे, जो आपने ना कभी पहले सुनी होंगी और ना ही आपने खाई होंगी। तो आज के लिए शेफ़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।